लोकेशन छतरपुर। छतरपुर के हरपालपुर में धसान नदी के टापू पर फंसे सभी को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर रात से ही एक्टिव रहे क्षेत्रीय विधायक, नौगांव एसडीएम और पुलिस प्रशासन। छतरपुर धसान नदी में चला रेस्क्यू। नदी में फंसे चपरन गांव के 18 ग्रामीणों को रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला। बीते दिन बांध सुजारा डैम के सभी 12 गेट खोलने से धसान नदी आ गई थी उफान पर। बाढ़ में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग फंस गए थे। बीती शाम प्रशासन को मिली थी सूचना। सूचना के बाद रात में नहीं हुआ रेस्क्यू। सुबह रेस्क्यू टीम ने बोट की मदद से बाढ़ में फंसे 3 परिवार का किया रेस्क्यू। विधायक, पुलिस और राजस्व अमले की मौजूदगी में चला रेस्क्यू। हरपालपुर थाने के चपरन गांव का मामला। बाइट विशा माधवानी एसडीएम नौगांव। बाइट कामख्या सिंह बीजेपी विधायक बाइट ग्रामीण। कितने लोग थे वहाँ पे? और प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया था, उसके बाद भी यहाँ पे ऐसी हादसा, बड़े ऐसे लोग फंस गए जी। तो क्या मानेंगे सर इसका? हमें अलर्ट मिला था परसों से लेकर ही, और प्रशासन द्वारा मुनादी भी कराई गई थी, सबको सूचना दी थी। कल इस गांव में पुलिस की टीम और रेवेन्यू की टीम भी गई थी बताने के लिए, लेकिन कुछ लोग वहाँ रहे और पानी बढ़ गया और वो लोग निकल नहीं पाए, ऐसा उनका कहना है। तो हमें रात्रि में ये सूचना मिली थी। रात्रि से ही माननीय विधायक जी, प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है। तो जो रिलीफ की टीम है, उन्होंने बताया था कि सनराइज़ में उसको इजीली कर सकते हैं, और जहाँ वो लोग थे उसका पानी से 7-8 फीट ऊपर थे, तो वो लोग सुरक्षित थे। इसीलिए हमने रात भर, हमारी टीम यहीं स्टेशन रही, बेस्ड रही। हमने सही समय का इंतज़ार किया और सुबह होते ही टीम ने जाके पूरे 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। और मौके पर अभी भी माननीय विधायक जी भी हैं और प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम है। जनता, पूरे जन सहयोग भी पूरा इसमें रहा, तो थैंकफुली सभी लोग सुरक्षित आ गए हैं। कैसी है आपको जानकारी लगी? आप विधानसभा क्षेत्र के चपरन गांव में इतने लोग थे, कैसे आपने प्रशासन को अलर्ट किया? रात को हम लोग को रात को जानकारी लगी। जब तक प्रशासन को भी जानकारी लग गई थी, तहसीलदार साहब ऑलरेडी पहुंच चुके थे, एसडीएम मैडम भी रास्ते में थे, हम लोग भी रास्ते में थे। फिर रात को हम लोग यहाँ पे आए तो ग्रामवासियों से मुलाकात हुई। पुलिस भी उस टाइम तक 2 बार चक्कर लगा चुकी थी। रात भर से प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, सहयोग क्या, पूरी कार्रवाई उनकी तरफ से करी गई, जिसके लिए मैं उन लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ ग्रामवासियों की तरफ से। और सब लोग सुरक्षित निकाले भी गए हैं, इसकी सबसे ज़्यादा तसल्ली है और खुशी है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एसडीएम मैडम, तहसीलदार साहब, एसडीओपी साहब, हरपालपुर के अपने शर्मा जी हमारे, उनकी पूरी टीम और ग्रामवासियों की तरफ से तो सबका बहुत सहयोग मिला है, उसी के लिए मैं बहुत बहुत सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार। ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीणों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन आता है जल बहाव को लेके, तो एकदम से बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, तो जिसमें कि प्रशासन को भी सहयोग रहेगा, उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा।